दोस्तों उमरान मलिक का सपना हुआ है चकनाचूर, उनकी जगह यह तेज गेंदबाज करेगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में डेब्यू। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप भी हैं उमरान के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आईपीएल का 15वां सीजन तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब कुछ ही दिनों में समाप्त होने वाला है। इस बार का आईपीएल काफी तेजी से आगे बढ़ा और दर्शकों को इसको काफी रोमांचक भी बनाया। बता दें कि जैसे जैसे आईपीएल खत्म हो रहा है उसके बाद भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 9 जून से 5 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज हो जाएगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में आईसीसी इस बार हमें टी20 विश्व कप की मेजबानी करते हुए दिखाई देने वाली है बीसीसीआई। इस साल के आईपीएल में कई ऐसे खिलाड़ी सामने आए हैं जिन्होंने खतरनाक प्रदर्शन किया है, इसमें ज्यादातर खिलाड़ी युवा ही हैं। और दोस्तों इसमें से अगर किसी एक खिलाड़ी की बात करें तो उमरान मलिक का एक ऐसा खिलाड़ी निकल कर आया है जो कि काफी ज्यादा प्रभावशाली है। ऐसे में दोस्तों इस आईपीएल में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है। इस सीजन उन्होंने अपनी टीम के लिए 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की और टीम के लिए मजबूती बनाई रखी। उनके द्वारा प्रदर्शन अभी भी जारी है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में उनको मौका नहीं दिया जाएगा। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गेंदबाजी इकाई पूरी तरह से तैयार हो चुकी है जिस पर आगे हम किसी तरह का बदलाव नहीं करना चाहते हैं, ऐसा बीसीसीआई कह रही है। आगे यहाँ पर दोस्तों उन्होंने कहा है कि मलिक को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में मौका नहीं दिया जाएगा। एक ऐसा नया खिलाड़ी है जिसे इस सीरीज में गेंदबाजी यूनिट में डेब्यू करता देखा जा सकता है। आइए एक नजर डालें आखिर कौन है वो खिलाड़ी। दोस्तों ये खिलाड़ी नहीं बल्कि आईपीएल के इस सीजन के लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के खेल रहे मोइजिन खान है, जिन्होंने लखनऊ टीम के लिए अपनी तेज गेंदबाजी में स्विंग से अपने आप को बहुत ज्यादा प्रभावशाली दिखाया है। आपके हिसाब से उमरान मलिक का ना खेलना क्या सही रहेगा, हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्रिकेट जगत की सभी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक जरूर करें।